कीमत का अंदाजा इसी बात से लगा लेना कि वक्त और शांति आज के इस दौर में किसी के पास नहीं है। शांत रहना अच्छी आदत है और अच्छी आदत में खुद को बदलना कोई बुरी आदत नहीं है। जो तुम्हारे मौन का अर्थ नहीं समझता, वह संभवतः तुम्हारे शब्दों का अर्थ भी नहीं समझेगा। आत्मा निरंतर बहुत धीमी आवाज में आपसे कुछ कहना चाहती है, जिसे मौन रहकर सुनने से आप परम सुख प्राप्त कर सकते हो। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बजता है, और जो पूरा भरा होता है वह मौन रहता है। ज्यादा बोलना कमजोरी है, परंतु निडर होकर सत्य बोलना एक दिव्य शक्ति होती है। आपके कह देने से कुछ नहीं बदलेगा, यह सोचकर अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाते हो तो आपको सबसे पहले खुद को बदलने की जरूरत है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी होता है, वरना चुप रहना ही बेहतर होता है। ऐसा नहीं कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानता है कि उसे कहां पर बोलना है। एक बेवकूफ खुद को समझदार कहने में वक्त खराब करता है, वहीं एक समझदार व्यक्ति कभी खुद को समझदार कहने में वक्त जाया नहीं करता। लगातार बोलते रहने से ज्ञान सीमित होता है, परंतु लगातार सुनते रहने से ज्ञान में वृद्धि होती है।